हाँ जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होगे और मौज मस्ती में होगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे नए प्यारे से व्लॉग में। तो टाइम अब हो चुका है 12:30 का और मैं नहा धो के बस अभी काम करके फ्री हुई थी। बस तो मेरे को करनी थी प्रेस, कपड़े बहुत ज़्यादा पड़े हैं, पर क्या करें, टाइम शेड्यूल ऐसे ही चल रहा है आजकल, क्या करें थोड़ा सा। पर अभी इसके पापा का फ़ोन आया है कि हाँ, डॉक्टर के पास जाना था हमें आज। डॉक्टर के पास क्यों जाना था? वही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम बेटे को लेके ही चल रही है। बेटे का IQ टेस्ट करवाया था मैंने, पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। तो हमने फिर जिस डॉक्टर के पास उसका इलाज चल रहा है उसको हमने दिखाई रिपोर्ट, तो वो कहते भाई ऐसे कैसे रिपोर्ट बना रखी है, भाई बढ़िया रिपोर्ट नहीं है, ऐसे थोड़ा ना, इतनी प्रॉब्लम है ही नहीं, इतनी दिखाने लग रही हैं। पर वही बात है, क्या करें। तभी उन्होंने बोला है कि हाँ ये रिपोर्ट अच्छी नहीं है, तो अभी दोबारा फिर हमें IQ टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो ये देखो फाइनेंशली भी प्रॉब्लम हो रही है, क्यों वो टेस्ट भी पीछे 2,000 रुपये का करवाया था और अभी फिर दोबारा आज करवाना पड़ रहा है। पर क्या करें, ये सोच रहे हैं कि हाँ अच्छी रिपोर्ट आए, ये दिखाएं तो स्कूल वाले भी तभी लेंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम है ही नहीं इतनी तो वो दिखा कैसे रहे हैं। कई तो वही बात है कि हाँ ये सोच रहे हैं कि हाँ इनको बस भी पैसे ले लिए और इनको डरा दिया थोड़ा सा कि हाँ इसको बहुत प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं होगा ये और वो। मतलब हम भी डर गए थे थोड़ा सा, जैसे उसने ये बताया कि हाँ इसको तो प्रॉब्लम है, ये कभी नहीं पढ़ सकता, ये कभी ये नहीं कर सकता काम की, बोल रहे हैं। मैंने कहा इतनी तो प्रॉब्लम है ही नहीं, जैसे भी घर के काम है और भी है, पढ़ाई का भी है, भी कोशिश करता है, लर्न भी करता है, उसको याद भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। पर वही है, बताएं कि उन लोगों को थोड़ा सा ना प्रॉब्लम सी रहती है। वो सोच रहे हैं कि हाँ ये दोबारा फिर यहीं आए, भी इनको कुछ थोड़ा बहुत और मैं बताऊंगा, ये डर जाएंगे, ये सोचेंगे भी यहीं से हम कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या कुछ और है भी मैं इनको बका के रखूँ। पर वही है कि कई लोग डॉक्टर बोलते हैं ना भगवान होते हैं, मेरे को लगता नहीं, कई पैसे ऐंठने वाले होते हैं, भगवान बहुत कम होते हैं। फिर अब हम डॉक्टर ने बताया है कि हाँ आज दू कहीं और दूसरे उस पे हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ IQ टेस्ट दोबारा करवाना है और अभी पहुँचना है हमें 1 बजे। अभी मैं जा रही हूँ लक्ष्य को स्कूल में लेने के लिए, क्यों अभी जाना है, जाना तो हमें शाम को था 4 बजे। पर वही है, उनका फ़ोन आ गया डॉक्टर का कि हाँ मेरे को बाहर जाना है तो आप अभी आ जाइए। तो अभी मेरा काम फिनिश हुआ था, मैं आपको बता रही थी, तो अभी मैं सोच रही हूँ फटाफट अभी मैं लक्ष्य को स्कूल में लेने जाऊँगी और फिर इसके पापा आएंगे फिर हम जाएंगे। बस क्या करें, ये सोचती हूँ कि हाँ बस मेरे बेटे का एडमिशन हो जाए। आप सब दुआ करें, कहते हैं ना जितना असर दुआओं में होता है ना उतना कहीं भी किसी भी चीज़ से नहीं होता, दुआ सबसे बड़ी होती है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, आप सब दुआ कर सकते हैं मेरे बेटे के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि उसका एडमिशन हो जाए, उसका भी अच्छे से एक बार एडमिशन हो जाए। एडमिशन हो जाएगा फिर ये थोड़ा सा टेंशन भी कम हो जाएगी, क्यों कई दिन हो गए थोड़ा सा ये चल ही रहा है, ये पूरा महीना हो गया, 1 तारीख से लगी थी मैं और पूरा जैसे भी अप्रैल का महीना ख़त्म होने को हो गया, सारा ऐसे ही निकल गया। पहले तो 15-20 दिन तो लगातार स्कूल देखने में, कभी किसी स्कूल में कभी किसी स्कूल में, और अब प्रॉब्लम है, इन्होंने ले तो लिया पर वही इन्होंने बोला कि एक बार आप IQ टेस्ट करवाओ। तो अब IQ टेस्ट करवाएंगे, जब करवाया तो वो रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, उन्होंने पता नहीं ऐसे ही बना दिया। अब आज जा रहे हैं, अब वो कितने में होगा वो भी देख रहे हैं और मैं अब इसको लेके आ रही हूँ और फिर जाएंगे। तो आप मेरे व्लॉग में बने रहना, पूरे लास्ट तक देखना और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर किया करो, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं अपने बेटे को लेकर आगे तक बढ़ सकती हूँ। तो आप सब बने रहना ऐसे ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखें, थैंक यू। ये देखिए लक्ष्य को मैं अभी ले आई हूँ स्कूल से और देखो टाइम 1 बजने वाला है, अभी हमने जाना है हॉस्पिटल में। ये देखो आते ही लग गया पोहा खाने, कढ़ाई उठा लिया है लक्ष्य, घनी भूख लग रही है। ओहो, जमा जुटे खड़े भाई चोरा, खा ले फटाफट फिर चलेंगे डॉक्टर का, ठीक है। ओहो भाग दौड़ इतनी है, क्या करें, 1:30 1:15 हो गया है,
फिर बेटी आवेगी, उसका भी खाना बनाया है। फाइनली हम चल पड़े हैं तो टेस्ट के लिए। ये देखो लक्ष्य आगे बैठा है, वैसे ही लक्ष्य मेरे को पीछे बैठा देता हर बार की तरह। अब मेरी सीट पे हक जमाता है ये लड़का, पूरा मेरी जगह भी लेने की कोशिश कर रहा है ये। तो अभी हम जा रहे हैं तो आपको दिखाएंगे आज फिर कहाँ होगा आज टेस्ट, आज कौन सा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल थक गए हम तो, जा जाएंगे। कोनी टेम तो को लग गया, काम में काम बनया था। पहले काम तो छोड़ दे, सारा दिन तेरे हॉस्पिटल कौन पूरे होंदे मेरे पे, काम छोड़ देती, तेरे स्कूल पूरे होंदे नी, थक गई मैं तो, काम छोड़ देती मेरे कपड़े, कौन सा काम छोड़ दूं, सारे काम जरूरी हो है, यू छोड़ दूं, पहले कपड़े जरूरी है, यू छोड़ दूं हॉस्पिटल में जाने का ना, और ना अकेला बिक जाएगा मेरी के लोड़ है। चुप, देखो कर बोल रहा है छोरा। देखिए गाइस इस लड़की को ये कैसे बोलता है अपनी मम्मी को, कुसुम और फूल के कुसुम पुष्प का एक पर्यायवाची याद है लक्ष्य गजमा घोट के पीरा क्या लक्ष्य ईश्वर प्रभु परमात्मा। अच्छा परमात्मा, हम पहुंच गए लक्ष्य के हॉस्पिटल में ही ग्लोबल में। आज आएगी देखो पे बोल रहे हैं इसका टेस्ट होगा आईक्यू, देखते हैं अंदर कौन सा डॉक्टर करेंगे। चलिए फिर देखो लक्ष्य का स्टाइल, लक्ष्य का उतरना, ये छोरा जमा जान हो रहा है, उतर ले मेरी भी खिड़की खोल दे। ओ खोलो खोलो ये देखो यहाँ पे ये सोनी बर्मन हॉस्पिटल के पास लक्ष्य कुत्ते भूखा, लक्ष्य तने देख के भूखा ही रहने दे है, चल चल चल। ये देखिए कैसा है इसका हॉस्पिटल, देखो एंट्री कितनी अच्छी है गाइस। लक्ष्य वेट करने के लिए खड़ा हो रहा है। ओहो इसके पापा वहाँ पर्ची वगैरह कटवा रहे हैं। देखो लक्ष्य को आते ही लक्ष्य की वही सीट फिक्स है, आगे सो जाता है। लक्ष्य आते ही लग गया खाने के लिए, खाने के लिए लक्ष्य क्या लिया है आज, बादाम का तो नहीं है, बादाम और चने लक्ष्य, चने और बादाम की। लक्ष्य अब स्कूल से आकर उसको भूख लग गई तो इसके लिए हम ये ले आए, खाना बनाना जरूरी था उसको, फिर सेंटर पे जाना था, वो शाम को आएगी 8 बजे। लक्ष्य खड़ा है बाट में घर जाने की मैं है? लक्ष्य का टेस्ट हो गया, लक्ष्य बताओ घर नहीं जाना, पहले बताओ आपका हाँ, टेस्ट हो गया क्या, लक्ष्य का टेस्ट हो गया असंतुष्ट। अब हम जा रहे हैं घर, लक्ष्य जा रहा है घर, लक्ष्य का हो गया टेस्ट घर नहीं मम्मी, और के बताओ देखो इतनी तेज धूप हो रही है, लक्ष्य ने कहा मैंने सामान लेना है, इसके सामान नहीं पूरे होंगे भारत, हाँ मैं तो थक गए समान दुआंदे दुआंदे है लक्ष्य, क्यों मम्मी इधर मुंह करके बता बता दे बता दे, और क्या कहा, कह दिया गांव में बैठोंगे है नु कह दिया वीडियो में। देखिए गाइस हम घर नहीं जाएंगे, हम रास्ते में बैठ जाएंगे मम्मी के लाल लक्ष्य हो रहा है जमा गुस्सा।
अब जा रहे हैं घर पे, तो देखो अब रिपोर्ट बहुत बता रहे हैं कि ठीक आ रही है, क्या पता अब एडमिशन इसका हो जाए और कल करवाएंगे इसका एडमिशन लक्ष्य का। और लक्ष्य लेगा नई नोटबुक बुक और ड्रेस, ये तीन चार चीजें लक्ष्य को बहुत ज्यादा उत्सुक कर रही है। मैच का बड़ा रजिस्टर, हाँ लक्ष्य को बहुत किताबों की बहुत जल्दी हो रही है। मैथ का बड़ा, हाँ मैथ का बड़ा रजिस्टर चाहिए। अच्छा मैं आपको बता दूंगा जाते ही। क्या बताएगा मैम? हो गया एडमिशन, अब मना करके तो नहीं कर लेते हम लक्ष्य को, लेंगे करेंगे धक्का। धक्का तू करेगा और क्या करेगा, धक्का कैसे बोलेगा बैठ नहीं होता, ले लेते हैं। अच्छा ले लेंगे, वतन है पक्का विश्वास है तने? दो दिन गया ना। अच्छा अच्छा मन लग रहा है, चलो अच्छी बात है बेटा, मन लग रहा है तो ममता। तो फिर अब आपको स्कूल के लिए सारी चीजें चाहिए ना? और स्कूल में मिल जाएगा, बस मैथ्स का बड़ा लिस्ट लेना है। अच्छा और ड्रेस, अच्छा और बस बुक्स में वो पैसे वैसे हो गया थोड़ी है, जुड़ गई है, जुड़ गई है, फरीमा आवा है। डायरी स्कूल में मिल जाएगी पापा, तुम और कुछ नहीं लेना, वैसे एक रजिस्टर लेना, फिर तो वैसे हुआ है रजिस्टर बड़ा मैथ्स का, मतलब वो पेज पेज होते हैं खाली खाली, वो ये लिखने पड़ते काउंटिंग सी, काउंटिंग सी, काउंटिंग सी बस, और कुछ नहीं लिखना होता। बस रजिस्टर लेना है स्कूल के कपड़े। अच्छा और बुक्स में नोटबुक बस हल्की चीजें। अच्छा ये कह दो रुपया की एजिंग बुक लेनी है, बुक्स नोटबुक, नोटबुक हां नोटबुक और बुक और ड्रेस और मैथ्स का बड़ा रजिस्टर, बस बस बस। ड्रेस काली काली, हां काली लगती हो, काली लगत रहे मंडे मंडे ट्यूसडे हैं थर्सडे फ्राइडे, गाइस चार दिन तो वो लगते हैं और दो दिन वाइट लगते हैं, मंगलवार और सैटरडे दो दिन तो वाइट लगते हैं और चार दिन तो वो काले कपड़े लगते हैं, काले कपड़े। हाँ उस ड्रेस तो पूछनी होती है टीचर से, ऐसे नहीं ले आनी। अच्छा देख मेरे पर गुस्सा को उठा, मैंने क्या कर दिया तेरा, तू कह रही है मैम से पूछेंगे, मैम हाउस हाउस ड्रेस जो होती है वो मैम डिसाइड करती है कि कौन सा कलर, मेरे को पता है बच्चों को देख लिए थे मैंने कपड़े, तो वो मैडम से पूछते हैं पहले कि मैम मैं कौन सा हाउस की ड्रेस टी शर्ट लेनी है।